अच्छा, एक तो जैसे मैं अक्सर बताता ही रहता हूँ कि नशा छोड़ने के बाद शोख व चंचल नहीं हो सकता बंदा, नशा छोड़ने के बाद शोख व चंचल नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक बड़ी डिफरेंट सिचुएशन है कि आर्टिफिशियली यानी मसनूई तौर पर किसी को जो शोख व चंचल बनाया जाता है नशे के ज़रिए, नशा छोड़ने के बाद वो चीज़ नहीं हो सकती, लिहाजा उस पर ज़्यादा इसरार ना करें। मेडिसिन अगर बता दें तो मैं देखता हूँ कि अगर उसमें कोई गुंजाइश हो रिव्यू की। सोब्राइटी एक चीज़ होती है जिसके लिए हम जिद्दोजहद कर रहे होते हैं। नशे के इलाज में जो हमारा टारगेट होता है वो सोब्राइटी है। सोब्राइटी, सोबर होना, मतीन होना, बुर्दबार होना, तहमल वाला होना। ये जो नशे की बीमारी है इसका जब हम इलाज करते हैं तो हमारा टारगेट तहमल होता है, बुर्दबारी होती है। शोख चंचल होना हमारा टारगेट नहीं होता। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।